कुंडलिनी जागरण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है योग्य गुरु से दीक्षा। एक योग्य गुरु के सानिध्य में ही व्यक्ति सही से अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत या किसी भी मंत्रों को सिद्ध कर सकता है। दरअसल जब कोई व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत या कोई भी मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करता है तो वह व्यक्ति ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है। जब यह ऊर्जा उसके क्षमता से बाहर निकलती है तो उसी क्षण गुरु शेष ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। बिना गुरु के कुंडलिनी जागरण खतरे को आमंत्रित करना है, इसलिए योग्य गुरु की तलाश करो जिन्होंने इस यात्रा को पूर्ण कर लिया है, क्योंकि पूर्ण ही पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। एक बात और, इस यात्रा में खुद हमारी शक्ति हमें भटकाती है ताकि हम उसे अपने वश में न कर पाए और विचित्र विचित्र बाधाएं पैदा करती हैं जिससे हम हट को त्याग दें। ऐसे क्षणों में गुरु भीतर ही भीतर शिष्य को आगाह करते हैं, तब जाकर व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर संसार के कल्याण में अपना योगदान दे सकता है। इसलिए सबसे पहले योग्य गुरु से दीक्षा ले, फिर कुंडलिनी शक्ति जागृत करें। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।